हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी फॉर यू एनी टाइम। तो आज हम कॉलेज रिव्यू करेंगे डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, जिसे कि AITH कानपुर के नाम से जाना जाता है। इस कॉलेज के बारे में हम पूरी डिटेल बारे में बात करेंगे, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रैंकिंग, कट ऑफ, प्लेसमेंट और इस कॉलेज के प्रोस कॉन्स क्या क्या हैं। इस सब चीज की डिटेल हम इस वीडियो में जरूर बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम बात करें, ये कॉलेज स्टेब्लिश हुआ है 1997 में और ये कानपुर में स्टेब्लिश है। आप वेबसाइट में भी जाके विजिट कर सकते हो। इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो UPSC और JEE मेंस में। इसकी जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट है, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें जो पॉपुलर कोर्सेज हैं वो BE, BTEC और UG डिप्लोमा में होते हैं। जो टोटल कोर्सेज ये कॉलेज ऑफर करता है वो 14 कोर्सेज ऑफर करता है अक्रॉस 3 स्ट्रीम्स में। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और IT में बीटेक कराए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ मैं बता दूं, ये टॉप 10 कॉलेजेस में AKTU के आता है और ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसकी कट ऑफ भी काफी हाई जाती है। मतलब कि यदि आप CSE लेना चाहते हो तो आपकी मिनिमम 3000 से 4000 के बीच में रैंक होनी चाहिए। UBTU में यदि आप जनरल हो, यदि आप OBC हो तो 3000 से 4000 के बीच में OBC के लिए और ST और SC के लिए 10000 से 12000 के लिए रैंक होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पूरी कट ऑफ लिस्ट लगा रखी है फॉर बीटेक स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल इंजीनियरिंग। यदि आप लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हो तो लेटरल एंट्री वाले भी अपनी पूरी इंफॉर्मेशन यहां से देख लो। और इस कॉलेज की कट ऑफ काफी हाई जाती है। तो हम बात करें, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए भी इसकी फीस थोड़ी अच्छी है। एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस, इसकी फीस 71,000 फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड थर्ड फोर्थ 60,800 फीस है। तो टोटल आपकी बीटेक 2.58 लाख में कंप्लीट हो जाएगी। एक प्राइवेट कॉलेज होते, एक गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए इसकी फीस सही है और एक अच्छा कॉलेज भी ये है। अब हम बात कर देते हैं इसकी प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट की बात करें तो डे टू डे इसकी प्लेसमेंट घटती ही जा रही है। देख रहे होंगे कि 2012 और 14 में यहाँ जो मैक्सिमम पैकेज लगता था वो 11.4 से 6.4, मतलब 11.4 इनका मैक्सिमम पैकेज होता था और 6.4 इनका मीडियम, मतलब कि एवरेज पैकेज होता था, जो कि अब 4 लाख इनका हाईएस्ट पैकेज और 3 लाख इनका एवरेज पैकेज हो गया है। मतलब कि इनका ग्राफ गिरता ही जा रहा है। मतलब कॉलेज का जो रेट होता है प्लेसमेंट का, मैक्सिमम और मीडियम का जो इनकी सैलरी होती है या प्लेसमेंट का पैकेज होता है, वो गिरता जा रहा है। 2017 और 15 में 7 था और 4.5 इनका एवरेज पैकेज था। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो कॉलेज था, इस कॉलेज का पैकेज जो कि लोग कहते हैं प्लेसमेंट, ये डे टू डे गिर रहा है। ये गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए भी टॉप 10 कॉलेज में आता है, लेकिन इसकी इसका प्लेसमेंट काफी अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू अदर AKTU कॉलेज। यदि आपको फीस की प्रॉब्लम नहीं है और यदि अच्छा कोई प्राइवेट कॉलेज मिल रहा हो जिसकी रैंकिंग इससे अच्छी हो और प्राइवेट हो और उसका प्लेसमेंट अच्छा हो, तो आप उसमें ले लेना, मैं ये राय देता हूँ। क्योंकि इस कॉलेज में फीस भले कम हो, इस कॉलेज को टॉप 10 AKTU कॉलेज में लेके आया जाता है, लेकिन इसका प्लेसमेंट है वो काफी अच्छा नहीं है। डे टू डे ये गिर रहा है। यहाँ के बच्चों से भी मैंने बात की है, यहाँ की फैसिलिटीज कुछ ज्यादा खास नहीं है, टीचर्स ओके हैं, ज्यादा फोकस नहीं करते हैं बच्चों पे, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। अब हम बात कर देते हैं फैसिलिटीज की। तो देखिए, हॉस्टल फैसिलिटीज हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ओनली आउटसाइड द कैंपस, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो कैंपस के बाहर ही रहेंगे। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हॉस्टल यहाँ नहीं है, मतलब कि ये फर्स्ट ईयर वाले ही बच्चों के लिए हॉस्टल अरेंज करते हैं। इसके बाद इनके पास 300 अप्रोक्स जो बेड्स हैं अवेलेबल हैं गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। तो मैं बेसिकली क्या होता है इस कॉलेज में कि ये हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए होता है और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। यदि आप
एक हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स नहीं हो तो आपको यहाँ हॉस्टल मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हॉस्टल स्पेशली आपको हैंडीकैप बच्चों के लिए ही ये लोग रखे हैं। लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, वाईफाई कैंपस है, हॉस्टल है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज का नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट की बात करें और ओवरव्यू मैं पूरी कॉलेज की बात करूँ तो ये कॉलेज ओके ओके है। यदि आपको इससे अच्छा कॉलेज गवर्नमेंट मिल रहा है तो वो लेना, इसके सिवाय, क्योंकि इस कॉलेज में हर चीज अच्छी है लेकिन इसकी प्लेसमेंट और हॉस्टल फैसिलिटीज जो कि कॉमन बच्चों के लिए नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों काफी खराब है। तो फीस की प्रॉब्लम होगी तो आप इस कॉलेज में ले लेना, और सब इस कॉलेज में अच्छा है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और यदि चैनल में नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।